All right, so today we are going to start with the, we had already actually started with the second issue of rural development, which is agricultural marketing. So as I explained that day also, ke jo agricultural marketing hai, usme kuch problems thi. Farmers, bete, be attentive. Farmers had to resort to distress sale. Farmers ki holding capacity kam thi, jis karke unko harvesting season mein hi apni crop ko bechna padta tha. Us time par prices low hote the. To farmer kyun nahi preserve karke rakh leta tha future mein bechne ke liye? Kyunki uske paas holding capacity नहीं थी. दूसरा, वो काफी पुअर है, ठीक है, अगर फसल बेचेगा नहीं तो नेक्स्ट सीजन के लिए इनपुट्स कहां से खरीद सकता है. दूसरा कारण डिस्ट्रेस सेल का ये था, फार्मर ऑलरेडी डेट में है और जिससे उसने कर्जा लिया है किससे लेते थे फार्मर्स? ट्रेडर से. ट्रेडर इस प्रॉमिस पर उसको लोन देता है कि जब उसकी क्रॉप मैच्योर होगी तो वो उसको मार्केट में सेल ऑफ करने के लिए नहीं जाएगा, रादर वो उसको ट्रेडर को बेचेगा. तो उसको ट्रेडर को बेचनी पड़ती थी एंड ट्रेडर वुड नॉट गिव हिम रेमुनरेटिव प्राइसेस. रेमुनरेटिव प्राइस का मतलब है हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट. अगर आपकी कॉस्ट 10 रुपए है, आपको उसके ऊपर 4 रुपए मिल जाए तो 14 रुपए की बिकेगी, यानी वो रेमुनरेटिव प्राइसेस है ना. लेकिन ट्रेडर 10 रुपए जो कॉस्ट आती थी उसको 10.5 या 11 में खरीदता था, जिससे फार्मर को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं मिल पाता था. सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज डिस्ट्रेस सेल. सो गवर्नमेंट रियलाइज दैट द मार्केटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फार्मिंग वॉज डिफेक्टिव. So certain steps were taken by the government to improve agricultural marketing system. First one being provision of regulated markets. Earlier markets were not regulated. Regulated का मतलब है बेटे किसी के control में. कोई एक supervisory authority है जो कि देखती है कि सारा काम जो है fair हो रहा है, transparency है, order में हो रहा है. बट उस टाइम पर ऐसा नहीं था. मार्केट्स जो थी वो रेगुलेटेड नहीं थी, तो उस केस में जो सेल बायर होता था, फार्मर से जो प्रोड्यूस लेता था, वो बहुत ज्यादा फार्मर को एक्सप्लॉइट करता था. सो गवर्नमेंट रियलाइज दिस ड्रॉबैक. सो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉर रेगुलेटेड मार्केट्स. रेगुलेटेड मार्केट्स आर द मार्केट्स विच आर सुपरवाइज्ड बाय अ मार्केट कमिटी. आप बेटे अगर इधर ही साइड जाओगे, ग्रेन मार्केट पता है आपको, एचएमवी चौक, उसके बाद अगर आप लेफ्ट डीएवी से आगे चले जाते हो तो मकसूदा मंडी है, ठीक है. और अगर आप इधर ग्रेन मार्केट में जाते हो वहां पे मार्केट कमेटी का ऑफिस है, ठीक है. तो वो मार्केट कमेटी क्या है? वो गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मार्केट्स को सुपरवाइज करती है, देखती है कि सारा काम ऑर्डरली हो रहा है, फेयर मैनर में हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है. ऐसा नहीं है कि कमीशन एजेंट फार्मर से 10% कमीशन चार्ज कर रहा है और गवर्नमेंट को बता रहा है 2%. नहीं, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. फेयर का मतलब स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स आर बीइंग यूज्ड. ऐसा नहीं है कि फार्मर 100 किलो लेके आया और उसको बोला ये तो 80 किलो है. साइंटिफिक मेजर्स आर बीइंग यूज्ड. सो ऑल दिस हैज बीन डन टू सो दैट द वर्क ऑफ मार्केटिंग इज ऑर्डरली, इट इज इन फेयर मैन कंडक्टेड इन फेयर मैनर एंड ट्रांसपेरेंसी इज देयर, ठीक है. सो देयर इज, इवन दो गवर्नमेंट ने काफी रेगुलेटेड मार्केट सेटअप किए, लेकिन अगर हम इंडिया की नीड को देखें
तो अभी भी 27,000 रूरल मार्केट्स और डेवलप करने की जरूरत है ताकि हम इन मार्केट्स का फुल पोटेंशियल जो है वो अचीव कर सके। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड की, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, वेयरहाउसेस, गोडाउन्स। ठीक है, मैंने कहा फार्मर की होल्डिंग कैपेसिटी कम थी। अब बेटे एक फार्मर वैसे ही 2 हेक्टेयर का लैंड लेके बैठा है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर है वो। ठीक है, आपको लगता है कि वो अपना इतनी जगह लेके अपना गोडाउन खुद बनवा सकता है? नहीं बनवा सकता। लेकिन अगर उसके पास ऐसी फैसिलिटी हो कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए गोडाउन में, किसी के गोडाउन में सामान रखवा के और उसका रेंट देता रहे, तो उसके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब कौन खोलेगा गोडाउन? गवर्नमेंट ने सेटअप किए, गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में अपने गोडाउन, वेयर हाउसेस बनाए जहां पर फार्मर अपनी प्रोड्यूस को प्रिजर्व करके रख सकता है और उसके बदले थोड़ा सा वो रेंट दे देता है। ठीक है, सेकेंडली फार्मर्स वाई दे यूज टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द रूरल एरियाज ओनली। अब गवर्नमेंट ने जो मार्केट्स एस्टेब्लिश की ये जनरली अर्बन एरियाज में, अब अर्बन रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक आने के लिए भी रोड्स अच्छे होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया और गवर्नमेंट ने सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की, रोड्स डेवलप किए, रेलवे, अगर फार्मर को अपनी प्रोड्यूस ट्रेन के थ्रू लेके आनी है तो गवर्नमेंट उनसे कम टैरिफ फेयर चार्ज करते हैं। ठीक है, क्योंकि दूर दूर से भी आती है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव से एक शहर तक एडजेसेंट शहर में आके बिकती हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप फ्रूट्स खाते हो वो कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई शिमला से आता है, अलग अलग स्टेट से आता है ना। तो इसी तरह से यहाँ से जाती भी हैं चीजें। तो ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, वेयर हाउसिंग गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, रोड्स गवर्नमेंट ने बनवा के दिए, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की फार्मर्स को। चलो वो मार्केटिंग के लिए नहीं आता, सो आप ये वाली फैसिलिटीज कर सकते हो। ठीक है, सो इवन दो गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट बट स्टिल जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं दे आर क्वाइट इनएडिक्वेट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड अगेन दे नीड टू बी इम्प्रूव्ड। साथ साथ क्रिटिकली वो एनालाइज करता जा रहा है। ठीक है, थर्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग। व्हाट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग? गवर्नमेंट ने एनकरेज किया फार्मर्स को कि आप अपनी मार्केटिंग सोसाइटीज बनाइए। उससे क्या होगा? चलो पहले हम सीन लेते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग से। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी नहीं है, स्मॉल फार्मर्स हैं। तो ये फार्मर्स हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, इनके छोटे छोटे लैंड्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर जितनी प्रोडक्शन होती है ये क्या करते हैं, ए अपनी अलग से ट्रक में सिटी में लेके जाता है प्रोड्यूस, बी अपनी अलग से लेके जाता है सिटी में अलग ट्रक में, सी अलग लेके जाता है। अब ट्रक इसकी प्रोड्यूस इतनी है कि ट्रक में सिर्फ 1/10 कैपेसिटी ट्रक की फिल हो रही है, लेकिन ये ट्रक वाला पेट्रोल तो पूरा लगा रहा है, उससे पूरा रेंट लेगा, इससे फेयर लेगा ना पूरा। ठीक है, तो हर एक कोई अलग अलग फेयर देके मार्केट में बेचने के लिए जा रहा है। फिर जब वो मार्केट पहुंचते हैं तो क्योंकि उनकी प्रोड्यूस बहुत कम है तो उनकी नेगोशिएशन अच्छी नहीं हो पाती। वो बायर इसको बोलता है ठीक है मैं तेरे से ले लेता हूँ, जो तू प्राइस कह रहा है वही प्राइस पे दे देता हूँ, लेकिन मुझे औरों से ना लेनी पड़े, सारी प्रोड्यूस मैं तेरे से ही फिर ले लूंगा। वो कहता है मेरे पास तो इतनी नहीं है। तो आपकी नेगोशिएशन यानी आपकी बार्गेनिंग पावर वीक रह जाती है फार्मर की। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने इनकरेज किया फार्मर्स को, यू मेक योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उससे क्या होगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच इसके मेंबर्स हैं, ये सबनी अपनी अपनी प्रोड्यूस वे की, वेट किया इसका और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ले गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक ट्रक किया,
ठीक है, सारी प्रोड्यूस इकट्ठी की, उसको गैदर किया, उसको ग्रेडिंग की, पैकिंग की और ये मार्केट में बेचने के लिए ले गए। अब पहली बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव हुई, हुई या नहीं? जितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो आपस में इनमें डिवाइड हो जाएगी। फिर बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हुई, सो दे विल बी गेटिंग गुड प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। और मोर ओवर जब इनकी प्रोड्यूस बिक जाएगी फिर इसके लिए इनपुट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इकट्ठे खरीद लेगी। जब इनपुट इकट्ठे खरीदे जाएंगे तो अगेन कम प्राइस पे मिलेंगे और इनको बार बार अलग अलग मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इनकी काफी नीड्स केटर हो गई। दे गॉट गुड प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो सेव्ड। सो बाय फॉर्मिंग themselves in cooperative marketing societies, the farmers are able to sell their produce at remunerative prices. ठीक है, अब इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल, अमूल इज अ मिल्क कोऑपरेटिव ऑफ गुजरात। यस, पता है ना सबको, इट्स एन हाउसहोल्ड नेम। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमूल? इट्स आनंद मिल्क यूनाइटेड Limited. It's a cooperative society which has changed the economic and social landscape of Gujarat. Getting my point? Jitne farmers is society ke members hain, they bring their milk produce to the cooperative society. Amul ke office mein leke aate, collection center mein leke aate hain. तो उनको पता है डेली हमने इतना मिल्क, हमारा जितनी भी प्रोडक्शन होगी हमसे अमूल ने खरीद लेनी है। सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ गई, अच्छे प्राइस मिलने लग गए। नाउ दे विल कीप मोर काउज, मोर बफेलोज, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विल इंक्रीज, देयर प्रॉस्पेरिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, सेकेंडली सोशल लैंडस्केप, जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही थी वो भी कम हो गई। सो गुजरात एक बेस्ट एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी की सक्सेस का, बट इन मिल्क कोऑपरेटिव। ठीक है, सो कोऑपरेटिव्स हैव रिसीव्ड अ सेटबैक, इसका ड्रॉबैक देखते हैं। रीसेंट पास्ट में एक सेटबैक मिला है ड्यू टू इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर मेंबर्स। काफी मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स नहीं है। देन लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स। मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स में लिंक कम है। मार्केटिंग सोसाइटी वो होती है जो मार्केटिंग करती है, प्रोसेसिंग, जैसे अमूल एक प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मिल्क को लेके उसको फर्दर प्रोसेस करके उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाकर बेचती है। ठीक है, तो वो नेचुरली ज्यादा सक्सेसफुल है, वैल्यू एडिशन उनमें ज्यादा है, लेकिन इनके बीच में जो लिंक है मार्केटिंग और प्रोसेसिंग में वो इनएडिक्वेट है। एंड इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि बेटे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये हाईली स्पेशलाइज्ड मैनेजीरियल मेंबर्स को हायर नहीं कर सकते, एमबीएस वगैरह को हायर नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो थोड़ी इनएफिशिएंट रहती है। ठीक है, ओके, लेट्स सी द फोर्थ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। दीज थ्री स्टेप्स आर क्लियर। फोर्थ स्टेप, एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नाइन्थ में भी किया हुआ है। फोर्थ एलिमेंट है एक्चुअली पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, ये लिख लो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके जिससे गवर्नमेंट ने अपनी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंप्रूव की। फर्स्ट वन बीइंग प्रोविजन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? इट इज द प्राइस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ harvesting season, and at this price government promises to procure farmers produce.
how it is helpful in agricultural marketing. There is a situation called as poverty. Dhyan se dekhiyega. Amidst plenty. क्या समझ आया इस टर्म से? Poverty amidst plenty. You have a lot, still you are deprived. हो सकता है ऐसे? ये तो पैराडॉक्स है. अगर आपके पास बहुत कुछ होगा तो आप पुअर कैसे हैं? Is it possible? This is very much possible, especially in the case of agricultural sector. Assuming you all are farmers, इस बारी मॉनसून ने फेवर किया आपको, नेचर बहुत अच्छा साथ दिया नेचर ने, ठीक है, आप सबकी प्रोडक्शन बहुत बढ़िया हुई, ऑल ऑफ यू आर वेरी हैप्पी कि इस बारी तो फसल लहलहा रही है, हार्वेस्टिंग आएगी, ठीक है, इस बारी सारे कर्जे उतर जाएंगे, इतनी प्रोडक्शन हुई है, हार्वेस्टिंग हो गई, सबने अपनी प्रोड्यूस गैदर कर ली, सब मार्केट में चले गए बेचने के लिए, बम्पर क्रॉप है सबकी. अब मार्केट में प्राइसेस का क्या सीन रहेगा? क्यों? मार्केट प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस. सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइसेस कम हो जाएंगे. आपकी क्रॉप इतने कम दामों पे बिकी कि कॉस्ट भी उससे कॉस्ट से भी कम पे बिकी. कॉस्ट जितनी कॉस्ट आई थी प्राइसेस उससे भी कम हो गए. हो सकता है ऐसे, मार्केट फोर्सेस है ना. तो ये क्या सिचुएशन हुई? पॉवर्टी अमेस्ट प्लेंटी, ठीक है. सो व्हाट विल यू डू? आपने कभी देखा फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं? फार्मर्स आलू टमाटर ये दो चीजें हैं जिनके प्राइसेस काफी लो मार्केट में चले जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है, दे स्टार्ट थ्रोइंग इट ऑन द रोड्स. तब हमें बड़ा अजीब लगता है कि ये क्यों फेंक रहे हैं, इसको बेच क्यों नहीं देते? इसलिए बेटे वो कहता है मेरे 5 रुपए पर किलो पे तो मेरा प्राइस लगा है, मेरे को आप 1 रुपए पर किलो दे रहे हो, वो भी नहीं ले चाहिए मेरे को, ठीक है. सो दिस हैपेंस. सो व्हाट यू एज अ फार्मर वुड डू इन द नेक्स्ट ईयर, यू वुड थिंक, अगर आप वीट की क्रॉप लेके गए थे, वीट के प्राइसेस लो हो गए, तो आप बोलोगे मैंने अगली बारी वीट ग्रो नहीं करनी, मैं तो अपने खेतों के ऊपर कोई और क्रॉप ग्रो करूंगा जिसकी मैच्योरिटी जल्दी होगी, जिसका प्राइसेस ज्यादा होगा और मेरे को अच्छे प्राइसेस मिले. मैक्सिमम ऑफ यू विल थिंक लाइक दिस. तो अगले साल क्या होगा? वीट की प्रोडक्शन, अब वीट हमारी स्टेपल क्रॉप है, अगर वीट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो गवर्नमेंट को वीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हाई प्राइसेस में मिलेगी, यस. तो इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? फार्मर एज गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने अपना एक इंस्ट्रूमेंट दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ये वो मिनिमम प्राइस है, यस बच्चे, अगर आपको पता है तो बता दीजिए इधर आके. एमएसपी एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट हार्वेस्टिंग सीजन से पहले ही बता देती है फार्मर को, हम तेरी वीट की क्रॉप इस बारी इस प्राइस पे लेंगे. लेटर से वही सिचुएशन दोबारा, आप सबकी क्रॉप अच्छी हुई, आप मार्केट में गए, मार्केट में प्राइसेस बहुत कम है, आपको गुस्सा आया, वापिस ले आए, फिर किसी ने बताया वो गवर्नमेंट की एजेंसी है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो इस प्राइस पे हायर प्राइस पे फार्मर से प्रोड्यूस ले रही है, आप चले जाओगे बेच दोगे अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, अब आपको कोई गुस्सा तो नहीं रहेगा ना कि मैं अगले साल वीट नहीं ग्रो करूंगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट दिया एक मिनिमम प्राइस फिक्स करके, ठीक है.
So again, this is the step taken by the government to improve agricultural marketing. Second one is buffer stock. Government maintains buffer stocks of essential commodities like wheat and rice. अब एमएसपी पे जब आपने फार्मर को गवर्नमेंट को बेचा बेटे, तो फार्मर गवर्नमेंट इसका क्या करेगी? गवर्नमेंट इसको फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू बेचेगी, लो प्राइस पे, ठीक है? जिस प्राइस पे गवर्नमेंट लेती है दैट इज एमएसपी, जिस पे बेचती है दैट इज इश्यू प्राइस, ठीक है? और गवर्नमेंट एक बफर स्टॉक मेंटेन करके रखेगी कि कल को हमारी कंट्री में कहीं फेमाइन की सिचुएशन आती है, फ्लड्स की सिचुएशन आती है, या मिड डे मील स्कीम है उसके लिए हमें देना है, अंत्योदय अन्न योजना है उसके लिए हमें फूड ग्रेन्स देने हैं, तो वो यहां से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है? सो इससे फार्मर की इनकम प्रोटेक्ट होती है और कस्टमर को सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं, ठीक है? लेकिन अभी भी इतने स्टेप्स उठाने के बावजूद भी आज भी जो रूरल मार्केटिंग है दैट इज डोमिनेटेड बाय मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है? आज भी कौन डोमिनेट करता है इसको? मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिच फार्मर्स, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट इज इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स. बेटे ये अंडरलाइन करते जाइए. अगर ऐसा रियलाइज किया गया, अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली बेचता है अपनी प्रोड्यूस को तो उसको अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है? तो नए नए चैनल्स गवर्नमेंट ने बनाए. पहला चैनल, इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न देयर नेम्स बेटे, अपनी मंडी. ये कहाँ कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, PHR, जैसे मर्जी आप लर्न कर लो. ये टिप्स हैं, अपनी मंडी, PHR, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. देन सेकेंड वन, हादसपुर मंडी. That is in Pune. Raitu Bazar. That is in Andhra Pradesh and Telangana. ठीक है? This mandi is for vegetable and fruit. Uzwar Sandies. Which is in Tamil Nadu, ठीक है? इसके अलावा, ठीक है बच्चे, अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हादसपुर मंडी इन पुणे, रायतू बाजार आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, उजवर सैंडीज इन तमिलनाडु. इसके अलावा बहुत सारी नेशनल और मल्टी नेशनल फूड चेन्स हैं, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फार्मर्स के साथ. जैसे कोई भी एक सॉस मेकिंग एमएनसी है, उसने फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपकी जितनी टोमेटोस की प्रोडक्शन होगी हम बाय करेंगे. इसी तरह रिलायंस है, रिलायंस के जितने भी रिलायंस फूड के आउटलेट्स हैं वो फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम आपसे ये चीजें खरीदेंगे, ठीक है? So, इसका भी एक आर्ग्यूमेंट है, सच अरेंजमेंट्स विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्राइस रिस्क ऑफ द फार्मर्स एंड वुड आल्सो एक्सपेंड द मार्केट फॉर फार्मर्स प्रोडक्ट. पॉजिटिव है, इससे उसको प्राइस रिस्क कवर हो जाएगा उसका फार्मर का, और उसके फार्म प्रोडक्ट्स की मार्केट एक्सपेंड होगी, ठीक है? ओके,
यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस इन 2020 इंडियन पार्लियामेंट पास्ड 3 लॉज टू रिफॉर्म एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम. पता है अभी तक उसका प्रोटेस्ट चल रहा है. व्हाइल सम सेक्शन ऑफ फार्मर्स सपोर्ट दीज, रेस्ट ऑफ द फार्मर्स अपोज एंड दीज एक्ट्स आर स्टिल बीइंग डिबेटेड. ठीक है, दिस मच इज क्लियर. सो टू एस्पेक्ट्स हमारे रूरल डेवलपमेंट के हो गए, रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. थर्ड वन इन अवर सिलेबस इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, दैट वी विल डिस्कस टुमारो. ठीक है, मंडे को आपका टेस्ट होगा पॉवर्टी चैप्टर का, ऑफलाइन आप दोगे. ठीक है, एनीवन एनी डाउट?